हमारी माताएं बहन भी मैरिड हों तो अनमैरिड हों तो शॉपिंग करने जाएंगी तो श्रृंगार पहले करेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, हमारे गुरुजन ऐसा कहते हैं, संत मुनि ऐसा कहते हैं, जब तक शाम तक या जब तक पति न हो तब तक श्रृंगार नहीं करना चाहिए और अनमैरिड कन्याओं को कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए जब तक शादी न हो जाए। ताली मत बजाओ, बहुत सी माता बहन हमसे नाराज हो जाएंगे। मैं आपको नाराज करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, सच यह है श्रृंगार हम अपने को, किसी को, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए और किसी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। आजकल आप मार्केट में जाते हो बिना शॉप श्रृंगार किए आप जाते नहीं, और मुझे तो बड़ी टेंशन तब हो जाती है जब साड़ी वाला ये कहता है भाभी जी आप ये ले लो आप पे ये सूट करेगी। साड़ी वाला कहता है भाभी जी आप ये ले लो आप पे ये, क्यों भाई तू कौन सो देवर है, कौन सो है, और बेशरम आदमी मेरे खसम ते 10 साल बड़ो और तू कह रहो भाभी जी ये ले लो, और फिर तू कहीं कह रहा हो भाई मैं जाए पहर जाके काज पहरूंगी बुक है ये जी ये ले लो तो बात समझ में आवे, और भाभी जी बड़ी खुश, अच्छा सच्ची कह रहे हो ये सूट करेगी, हाँ ले ले फ्री में दे रहा ले जा ले ले। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको ये कहे, इसका मतलब है कि आपने अपने आप को इतना फ्री कर दिया कि वो आपको इन तरह के वक्तव्य से संबोधित कर सके। ये अच्छे घर की बहू बेटी का काम नहीं। सबसे पहले तो कभी अकेले शॉपिंग करने मत जाओ, अगर जाना भी पड़े तो सीधे जाओ और सीधे चले आओ, इतना मत उसे ओपन होने दो कि वो तुम्हें भाभी कहे और सूट भी करवाए कि ये सूट है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी मर्यादा भंग होगी, फिर वो आपका धीरे धीरे आप ही के घर पे साड़ी पहुंचाने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा बनना बहुत मुश्किल है, बुरा बनना बहुत आसान, बहुत आसान है। बुरा बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है, विद इन सेकेंड आप बुरे बन सकते हो। अच्छा बनने के लिए पूरी जीवन लग जाती है मेरे भाई बहन, पूरा जीवन लग जाता है अच्छा बनने के लिए। अगर कोशिश करना हो तो अच्छा बनने की कोशिश करो, मर्यादा में रहने की कोशिश करो, और जब आप मर्यादा में रहोगे, जब आपके माथे पे तिलक दिखेगा ना, भजन करती हुई झोली आपके हाथ में होगी ना, तो बड़े से बड़े राक्षस की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको भाभी जी और गंदे कमेंट कर सके, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। आप तो सबसे दो चीजें याद रखें, पति साथ ना हो तो मेकअप करके आप बाजार ना जाएं, और जब तक आप बाजार में या घर से बाहर रहें तो बेवजह मुस्कुराते हुए पथ पर न चलें, रास्ते में न चलें, बेवजह न मुस्कुराएं, बिल्कुल भी आप मुस्कुरा कर नहीं जाएं, चुप जाइए चुप आइए। मुस्कुराना हो तो अपने फैमिली मेंबर के बीच में मुस्कुराइए, वार्तालाप करना हो अपने परिवार के बीच में करिए, कोई टेंशन नहीं। और आई होप जो सीनियर लोग हैं वो मेरे बात से सहमत होंगे, और यंगस्टर्स थोड़े से मेरे से कह रहे होंगे महाराज कहां फंसा देते हो आप, कन्हैया को प्रसन्न करना है कि दुनिया को, जोर से बोलिए कन्हैया को प्रसन्न करना है कि दुनिया को, पक्का? तो कन्हैया क्या ऐसे प्रसन्न होगा जैसे दुनिया होती है? कन्हैया को प्रसन्न करना है तो उसका रास्ता अलग है, और दुनिया को प्रसन्न करना है तो उसका रास्ता अलग है। हमारे मन में अशांति, हमारे घर में अशांति है, इसीलिए है क्योंकि हमने दोनों ही रास्ते अपना रखे हैं। हम दुनिया को भी प्रसन्न करना चाहते हैं और हम कन्हैया को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। तो वो एक शेर याद आ रहा है, खुदाई मिला ना विशाले शनम, यहाँ के रहे ना वहां के हम, हमें कुछ नहीं मिला, न यहाँ कुछ मिला न वहां कुछ मिला। अगर पाना चाहते हो, अगर मनाना चाहते हो तो एक रास्ते पे चले जाओ, और जब एक रास्ते पे चले जाओगे काना मिलेगा, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीब होना।
और उससे भी बड़ा दुख है अनाथ होना। जिंदगी अगर एक जंग है तो सबसे ज्यादा जिंदगी की जंग असहाय अनाथ एवं गरीब बच्चे ही लड़ रहे हैं। वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वही भगवान जब किसी महापुरुष को सत प्रेरणाओं से प्रेरित कर उनको माध्यम बनाकर समाज सेवा की ओर अग्रसर करते हैं तो भगवान की कृपा एवं दयालुता का एहसास स्वतः होने लगता है। कुछ इसी तरह का विचार शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित हुआ। विचार था असहाय बेघर अनाथ बच्चों के लिए आशियाना बनाकर उन्हें शिक्षा के प्रकाश से रोशन करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। पूज्य ठाकुर जी एक ऐसा ही आश्रय बनाने जा रहे हैं जहां उन बच्चों का संपूर्ण विकास एवं उनके भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा, संस्कार, देश प्रेम, खेल, उच्च